नमस्कार दोस्तों, ओनली रियल स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इतिहास रचने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार वो 15 अगस्त को कुछ खास करने वाले हैं जो इतिहास बनेगा। दरअसल धोनी ने टेरिटोरियल आर्मी में काम करने के लिए क्रिकेट से 2 महीने का रेस्ट ले रखा है। उन्होंने 30 जुलाई को अपनी ड्यूटी संभाली थी और वो 15 अगस्त तक अपनी बटालियन के साथ लेह में रहेंगे। सेना के एक अधिकारी ने हमें बताया कि धोनी भारतीय सेना के ब्रांड एम्बेसडर है और यूनिट के सदस्यों को प्रेरित करने में लगे हुए हैं। धोनी सैनिकों के साथ फुटबॉल और वॉलीबॉल भी खेलते हैं। वे 15 अगस्त तक घाटी में ही रहेंगे और वो एक स्पेशल जगह झंडा फहराएंगे। हालांकि अधिकारी ने इस लोकेशन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन हमारे सूत्रों को पता चला है कि धोनी कहां झंडा फहराएंगे। गौरतलब है कि धोनी जब से कश्मीर में गए हैं तब से उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वो कभी जवानों के साथ तस्वीर ले रहे हैं तो कभी जवानों को ऑटोग्राफ दे रहे हैं। उनके कैंप की तस्वीरें भी सामने आई हैं। गौरतलब है कि दोस्तों, वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद धोनी के संन्यास की खबरें आई थी, लेकिन इसी बीच उन्होंने 2 महीने अपनी पैरासूट रेजिमेंट में देने के लिए बोर्ड से ब्रेक मांगा था। वे अब तक जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनात थे। बताया जा रहा है कि इस बार वो नए बने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में तिरंगा फहराएंगे। तो साफ है दोस्तों, धोनी ऐसा करके एक इतिहास बनाने जा रहे हैं। जय हिंद। आपको ये खबर कैसी लगी और इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।